अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन, और ये क्रिस्पी चिकन की जो रेसिपी यानी कि प्रिपरेशन है वो नॉर्मल क्रिस्पी चिकन से डिफरेंट है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम चिकन, और ये जो बोनलेस चिकन हम लेंगे उसका जो पीसेस है वो काफ़ी थिन होगा, काफ़ी पतला है, देख सकते हैं आप कितना का पतला है, और लंबा होना चाहिए। और लंबा होने की वजह से इसके थोड़ा जो फ्राई होना है वो अच्छी तरह से फ्राई होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आगे हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, 2 टेबलस्पून काली मिर्ची, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद में 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून नींबू जूस, और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर किसी को खटास ज़्यादा चाहिए तो नींबू जूस ज़्यादा ले सकता है, लेमन जूस ज़्यादा ले सकता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, पूरे मसाले मिल जाने चाहिए उसके ऊपर, और उसके बाद में इसे पैक करके 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मैंडेट नहीं है कि आप वही दिन यूज़ करें। और उसके बाद में इसको डीप फ्राई कर देंगे चिकन को 30 मिनट्स के मैरिनेशन के बाद में, और उसके बाद में जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तब इसे निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी पूरी तरह से ब्राउन नहीं है, हल्का हल्का शेड बाकी है चिकन, आप देख सकते हैं, लेकिन जब ये पूरा ब्राउन हो जाए कुछ इस तरीके से तो आपका क्रिस्पी चिकन रेडी है। अब इसको सेजवान चटनी के साथ सर्व करें या मेयो के साथ सर्व करें, इसके साथ में आप फ्रेंच फ्राइज़ भी डाल सकते हैं साइड में और सर्व कर सकते हैं। तो ऐसी क्विक एंड शॉर्ट डिशेज हम लोग लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और लाइफ एंड फूड की तरफ से शब्बा खैर।